हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, आज हम लोग अपना एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिट की मदद से, जो आप लोगों ने स्प्रिट देखी होगी उसकी मदद से क्या करेंगे, हम लोग आलू को भूनने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, मेरे हाथ में ये 100 ml ऑफ स्प्रिट एंड ये है अपना आलू, ठीक है। तो गाइस, इसको आप लोग देखते हैं, डालते हैं आप लोग एक बर्तन में और इसको जलाने की कोशिश करते हैं कि इस 100 ml ऑफ स्प्रिट से वो आपका आलू भूनता है कि नहीं भूनता है। तो चलिए देखते हैं, फ्लेम टेस्ट करते हैं। तो गाइस, ये रहा अपना एक आलू और इस आलू को आप लोग डालते हैं इस बर्तन में, ठीक है। और ये रही अपनी 100 ml ऑफ स्प्रेड आपका, ठीक है। ठीक, अब इस स्प्रेड को आप लोग डालेंगे इसी बर्तन में, ठीक है। तो गाइस, चलिए ये आप लोगों ने क्या डाला, स्प्रेड इसके अंदर डाली आपका, ठीक है। अब लगाएंगे इसमें अपन लोग आगी, तब देखते हैं आग, देखते हैं ये इसको क्या करता है, जला पाता है कि नहीं जला पाता, कैसे जलते हुए भी सब कुछ, ठीक है। तो गाइस, चलिए हम लोग इसमें लगाते हैं आग और देखते हैं आप लोग ये जलता है कि नहीं। तो गाइस, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे ना कीजिएगा, सिर्फ आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक। तो ये लगाई अपन लोगों ने इसमें, जलती रही है कि नहीं, जलना स्टार्ट हो गया और आप लोगों को शायद पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि काफी धूप भी है, ठीक। अब बर्तन धीमे धीमे गर्म हो चुका है गाइस, ठीक है। ऊपर से दिखाओ इसको जरा, ठीक। मैं थोड़ा सा इधर साइड में हो जाता हूँ ताकि छाए में आप लोगों को दिखी, आज आपको दिखाई दी फ्लेम, छाए की वजह से आपको फ्लेम दिखाई दे रही होगी। अब देखते हैं ये अपना जल पाता है कि नहीं, ठीक। तो गाइस, देखते हैं आपका क्या होता है एक्सपेरिमेंट, लगातार कंटिन्यूटी आग आपकी जल रही है। थोड़ा पास से और दिखाओ इसको, ये आपको फ्लेम बीच बीच में दिखाई दे रही होगी, ठीक। अब देखते हैं अपना ये आलू बीच बीच में भुनता है कि नहीं, तो देखते हैं गाइस। आलू लगातार, ओहो, काफी तेज आग आपकी जल रही है इसमें, ठीक है। और आपकी स्पीड लगातार कम होती चली जा रही है, इसको घुमाते रहते हैं ताकि ये लगातार आपका भुनता रहे, ठीक है। आपकी अभी भी लगातार जल रही है, ये देख रहे होंगे आप, इसमें लकड़ी में भी आग आपकी पकड़ चुकी है थोड़ी सी आपका, ठीक है। यानी कि आग इसमें जल रही है लगातार, ठीक गाइस, देख रहे हैं ना आप लोग, लगातार इसमें आपकी आग लगातार फ्लेम के साथ जल रही है आपका, ठीक है। स्पीड में लगातार आलू आपका भून रहा है आपका, ठीक है। ये देखिए, ये आप लोग घर पे ना करें, ठीक है। इसमें भी आपकी आग लग चुकी है, इसमें लकड़ी में भी आपकी, देख रहे हैं कितनी जल चुकी है। तो देखिए गाइस, इसमें आधी आपकी स्पीड जल चुकी है 100 ml में, 100 ml में से आपकी शायद आधी 50 ml आपकी स्पीड जल चुकी है। लेकिन अभी भी क्या है, अपना आलू शायद मुझे लग रहा है बिल्कुल भी नहीं हो रहा। देखिए कितनी हाई पावर फ्लेम के साथ जल रही है, मतलब लकड़ी में भी बार बार आग जल जा रही है गाइस, आग लग जा रही है। इसको हम लोग इसको चला के दिखा, बार बार चलाते रहे ताकि चारों तरफ से जो आपका आलू है वो चारों तरफ से भुन सके आपका, इसलिए हम लोग इसको बार बार चारों तरफ से चला रहे हैं। बस घर पे आप मत कीजिएगा ये गाइस, ठीक है। ये आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है आपका, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, साथ में गाइस देख रहे हैं लगातार इस तरह आपकी कितनी हाई फ्लेम के साथ आपको जल रही है, इसको लगातार चलाना पड़ रहा है आपका। काफी स्पीड आपकी यहाँ पे बर्न कर चुकी है आपका, ठीक है, काफी ज्यादा। अब आपको देखना है कि कितना और टाइम लगता है इसको बर्निंग करने में पूरा, ठीक है गाइस। तो आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ी और जल जाएंगे। तो गाइस, ये देखिए आपका थोड़ा और बचा हुआ है इसमें स्पीड, और खुशबू भी आने लगी है आपकी आलू से। पता नहीं अब ये जला है कि नहीं जला है, इसको कंटिन्यूसली चला रहे हैं ताकि चारों तरफ से चल जाए। इसकी जो अभी तक मतलब ब्राउन का ब्राउन ही पड़ा है, इसको कैमरा यहाँ पे दिखाओ थोड़ा सा, ये अभी देखिए ब्राउन का ब्राउन ही है बिल्कुल, मतलब यहाँ पे, और कंटिन्यू फ्लेम जल रही है, ठीक है। फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ है अभी तक, 100 ml ऑफ स्पीड आपकी खत्म होने वाली है थोड़े टाइम में मुझे लग रहा है, ठीक है। ये देखिए पूरी स्पीड आपकी जल चुकी है, इसको दिखा दो। और गाइस, हम लोग देखते हैं काफी गर्म हो चुका है आपका ये, हम लोग देखते हैं इसको, आलू को अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा इससे गाइस। यानी आप लोगों ने पूरी 100 ml ऑफ स्पीड जला दी, लेकिन आप आलू देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी आलू को हल्का सा, बस आलू को थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट हुआ है आपका बाहर से, बाकी यानी अगर इसमें 100 ml ऑफ स्पीड होगी तो शायद ये आपका आलू पूरा जल जाए। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये एक्सपेरिमेंट, और इस तरह के लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट जानने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है गाइस। तो ये देखिए आलू, हम लोग इसको अब बस यही अपना एक्सपेरिमेंट लास्ट करते हैं, यानी आलू आपका दब भी नहीं रहा है आपका, थोड़ा सा हल्का सा दब रहा है बस। तो गाइस, मिलते हैं हम लोग अगले एक्सपेरिमेंट में, आज के लिए बस इतना ही।